नमस्कार, हमारा मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। किसानों और केंद्र सरकार के बीच सातवें दौर की बातचीत 30 दिसंबर को। बातचीत से पहले सरकार का मंथन। गृह मंत्री की अध्यक्षता में हुई जीएम की बैठक। भोपाल में स्मार्ट रोड पर आर्च ब्रिज समेत शहर के प्रमुख 5 प्रोजेक्ट का सीएम ने किया लोकार्पण। सीएम ने कहा कि भोपाल को देश का मॉडल बनाना है। लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश को कैबिनेट की मंजूरी। एमपी में आज से ही लागू होगा कानून। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देंगे बड़ा तोहफा। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का करेंगे लोकार्पण। नए साल के आगाज पर मिलेगी सौगात। नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ेंगे कमलनाथ। प्रदेश अध्यक्ष का पद रखेंगे अपने पास। और भोपाल में मासूमों के हाथों में जहर की पुड़िया। पढ़ने के उम्र में बेच रहे गुटखा। गरीब बच्चों से नजर फेर रहे अफसर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और यूपी की योगी सरकार की तरह ही मध्य प्रदेश में भी लव जिहाद के खिलाफ प्रस्तावित धर्म स्वतंत्र अधिनियम 2020 का अध्यादेश लागू करने जा रही है। शिवराज कैबिनेट ने आज अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस कानून में जो भी व्यक्ति या संस्थाएं इसमें सहयोग करेंगी उनको भी अपराधी बनाया है। विवाह करना, धर्मांतरण करना, ये अवैध है और बड़े पैमाने पर मध्य प्रदेश में इस तरह की गतिविधियां कतिपय लोग कर रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अपना धर्म छिपाकर अथवा झूठा अभिनय करके, गलत व्याख्या करके अधिनियम विरुद्ध धर्म परिवर्तन किए जाने पर यह कड़ी सजा का प्रावधान किया है। इसमें हमने यह प्रावधान भी किया है कि अधिनियम विरुद्ध दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक ही समय में सामूहिक धर्म परिवर्तन किए जाने पर न्यूनतम 5 वर्ष और अधिकतम 10 वर्ष तक का कारावास और न्यूनतम 1,00,000 रुपए का अर्थदंड तक की सजा। जिस व्यक्ति का धर्म अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध परिवर्तन किया गया है, अगर निश्चित समय सीमा में मान लीजिए 7 दिन में कोई सेवा देना नहीं दी तो 8वें दिन उस पर जुर्माना लगता है और वो जुर्माना हर जाने के रूप में जिसका काम देर से होता है उसको दिया जाता है। लेकिन अब इसमें एक प्रावधान और कर रहे हैं कि अगर 7 दिन में कोई सेवा दी जानी है, 10 दिन में कोई सेवा दी जानी है, 15 दिन में कोई सेवा दी जानी है और नहीं दी गई तो सेवा कंप्यूटर से जनित होकर अपने आप मिल जाएगी, अधिकारी की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, अपने आप डीम्ड परमिशन हो जाएगी। मुझे लगता है ये बड़ा क्रांतिकारी कदम है मध्य प्रदेश सरकार का। निश्चित तौर पर चक्कर काटना भी कम हो जाएंगे, दिक्कतें भी कम हो जाएगी और कोई रख के भी नहीं बैठ पाएगा, समय पे करना ही होगा। मिलावट कितना भी काला पैसा किया गया है। मिलावट एक भयानक अपराध है। खाद्य पदार्थों में, दवाइयों में, यहां तक कि प्लाज्मा के नाम पे, कोरोना वैक्सीन के नाम पर भी ऐसे समाचार मिले। अब नकली प्लाज्मा, इससे बड़ा अपराध कोई हो सकता है? तो दवाइयों का हो या खाद्य पदार्थों का मिश्रण, ये लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ है और ये किसी भी कीमत पर मध्य प्रदेश में नहीं चलने दिया जाएगा। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्मार्ट रोड और आर ब्रिज समेत शहर के प्रमुख 5 प्रोजेक्ट का सीएम शिवराज ने लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भोपाल मध्य प्रदेश इन्हें देश का मॉडल शहर बनना है। ये विकास कार्य उसी तरह कराए गए। सीएम ने 5ों प्रोजेक्ट के मौके पर ही पहुंचकर लोकार्पण किया। चर्चा का सवाल नहीं है, वो तो कैबिनेट ने जो अप्रूव किया है वो उनके पास भेजा है। स्मार्ट रोड में आज जो है विरोधी कला है कांग्रेसियों ने। देखो भैया, विकास का महायज्ञ चलना है, कोई सहयोग करे तो उसके साथ, कोई सहयोग ना करे तो उसके बिना, और कोई विरोध करे तो उसके बावजूद, विकास होगा, विकास होगा। और एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक बार फिर कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमला बोला। क्या कुछ काम आपको दिखाते हैं।
कांग्रेसियों के उम्र दराज बालक राहुल बाबा को मनाने के लिए मध्य प्रदेश के वयोबद्ध कांग्रेसी आदरणीय कमलनाथ जी ने जो नया तरीका खोजा, पहले आलू से सोना और अब ट्रैक्टर का खिलौना, खिलौना ट्रैक्टर लेकर विधानसभा पर प्रदर्शन किसी को समझ आए ना आए, राहुल बाबा को जरूर पसंद आएगा, शायद इटली से लौटा है। मैं लगने की क्या बात है, और वो कांग्रेस की संस्कृति है गुटबाजी, वो गुटों के हिसाब से ही उसकी उत्पत्ति हुई है, उसकी रचना इस तरह की है, तो इसको लगने की क्या बात है, और इसमें बुरा भी नहीं मानना चाहिए, उनके मतभेद सार्वजनिक होते रहे होते रहेंगे, किस बात को लेकर है पहले इस पर विचार करें। वो लोग मौन धरना दे रहे हैं जिन्होंने किसान को धोखा दिया है और मध्य प्रदेश में ही धोखा दिया है। वो जो इटली चले गए बाबा, वो कह के गए थे 10 दिन में कर्जा माफ नहीं करेंगे तो मुख्यमंत्री बदल देंगे, वो लोग धरना दे रहे हैं सारे के सारे, जो उस धोखे पर जीत के आए वो लोग धरना दे रहे हैं, तो हो सकता है माफी मांग रहे हो गांधी जी। और मध्य प्रदेश के भानपुरा गरोट भानपुरा विधायक देवीलाल दाकड़ ने भोपाल में कृषि मंत्री कमल पटेल से मुलाकात कर किसान भाइयों की खेतों में आकस्मिक मृत्यु के संबंध में और खेती को रासायनिक उपजाऊ शक्ति बढ़ाने के लिए अपनी बात रखी। दाकड़ ने कहा कि मध्य प्रदेश में 75% हिस्सा कृषि पर आधारित है। उक्त कार्य में किसान भाइयों द्वारा कृषि कार्य करते समय कई बार देखा गया जहरीले जानवर जैसे सांप बिच्छू किसान भाइयों को कृषि कार्य करते हुए काट लेते हैं, इस कारण किसान भाइयों की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। उक्त विषय में यदि आप कृषि कार्य करने वाले किसान भाइयों को वैज्ञानिक तरीके से बनाई हुई पोशाक दी जाए तो उनकी जान बचेगी। खबर शहडोल से, प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह अपराधी गुंडों बदमाशों के खिलाफ अभियान का असर शहडोल में दिखा। पिस्टल और देसी कट्टा लेकर घूम रहे धनपुरी के दो बदमाशों को बुढ़ार पुलिस ने गिरफ्तार किया और मोइन के पास से पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद हुए। हारून कुरैशी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे। गुंडों बदमाशों के खिलाफ जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश थे उसमें कल काफी प्रभावी कार्रवाई जिले में की गई। बुढ़ार में एक सूचना पे काले तिराहे पे दो व्यक्तियों से, एक से रिवाल्वर और एक से पिस्टल बरामद हुई है। उनसे पूछताछ की जा रही है कि उन्होंने धनपुरी के बदमाश हैं वो, कि उन्होंने ये कहां से प्राप्त किए, जिससे कि आगे और इसमें आगे कार्रवाई की जा सके। इसके अलावा कल 57 आतंक अपराधियों के विरुद्ध धारा 110 में कार्रवाई की गई। और कोरोना काल के प्रारंभ से ही बंद पड़ी जनसुनवाई का दौर आज से शुरू हो गया। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते इंदौर कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई बंद थी और पहले दिन की जनसुनवाई में नगर निगम, बाल विकास और जमीन से जुड़े 60 आवेदन आए हैं। जब से कोरोना शुरू हुआ उसके बाद से लगभग फर्स्ट वीक ऑफ मार्च से पहली बार ये जनसुनवाई प्रारंभ हुई है। लगभग 10 माह बाद जनसुनवाई प्रारंभ हुई है और इस जनसुनवाई में आज 160 आवेदन आए हैं। मुख्य रूप से जो आवेदनों का नेचर है वो इस तरह से हैं कि लोगों ने मकानों पर अतिक्रमण को लेकर के, कई लोगों ने उनको रोजगार उनके समाप्त हुए हैं उसको लेकर के आवेदन दिए हैं। और कल देर रात 7 कसाईयों द्वारा 5 लोगों को चाकू से घायल किया गया और जान से मारने की कोशिश की गई थी, जिसमें जबलपुर रेफर के दौरान एक की मौत हो गई और इलाज के दौरान अज्जू मसाब की मौत हो गई, जिसमें हिंदू संगठनों द्वारा दमोह शहर रैली निकालकर जय श्री राम के नारे लगाकर अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है।
और खबर खंडवा से, राम जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्र में हो रहे मंदिर निर्माण को लेकर जागरूकता के लिए वे उपखंड की मोटरसाइकिल रैली निकाली गई, जिसमें 13 गांव के राम भक्त हुए शामिल। रैली 7 गांव में भ्रमण करते हुए राम मंदिर बीड़ में खत्म हुई। वहां रैली के दौरान रास्ते में जगह जगह पुष्प वर्षा कर राम भक्तों का स्वागत किया गया और मनोबल बढ़ाया गया। और डिंडोरी जिले में शासकीय भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर लगातार चल रहा है। वह शासकीय पदों पर रहते हुए भी शासकीय कर्मचारी द्वारा किए गए अवैध निर्माण पर भी शासन का बुलडोजर चलाया गया। आपको बता दें कि शासकीय पद पर रहते हुए मड़ियारस गांव में पटवारी द्वारा किए गए शासकीय भूमि में अतिक्रमण को तहसीलदार ने सामने खड़े होकर तोड़वा दिया। और किसानों की सुविधा के लिए मध्य प्रदेश सरकार के आदेश का पालन होने लगा है। हर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर सप्ताह में 2 दिन पटवारियों को अपने हलके की पंचायत मुख्यालय में बैठना अनिवार्य है। सरकार के उसी आदेश का पालन में अब पटवारी गांव तक पहुंचने लगे हैं। अब किसान अपने खाता खतौनी नामांतरण बंटवारे नकल प्राप्त करने के लिए अपने ही पंचायत मुख्यालय में पहुँच रहे पटवारी से अपने काम करवा रहे हैं। हाँ, शासन ने आदेश जारी किया है सोमवार और गुरुवार को ग्राम पंचायत में बैठने का। तो इसमें क्या कर रहे हैं आप? मैं किसानों की समस्या मौके पे ग्राम पंचायत स्तर पर बैठ के सुलझाना है। जो भी समस्या है, नामांतरण रजिस्ट्री बंटवारा, नामांतरण रजिस्ट्री बंटवारा, अभी तो मुआवजा काम चल रहा था, इसमें अकाउंट नंबर लेना, गिरदावरी कार्य करना है सभी। हर गुरुवार और शुक्रवार? हर गुरुवार और सोमवार बैठेंगे। हर गुरुवार और सोमवार, जैसे 2 पंचायत है तो एक एक दिन बैठना है। आप आज पटवारी जी से कोई कार्य करवाने के लिए आए थे और सरकार ने जो इनको आदेशित किया, इससे आपको लाभ होगा? हमको बहुत भारी लाभ हुआ, मेरे को काम था, मैं सारंगपुर जाने का था, जब यहाँ आए तो मेरे को बहुत फायदा हुआ, वो मेरा काम फ्री में हुआ। और जैसे गुरुवार के रोज हमारी पंचायत में बैठते हो तो अच्छा। हमको बहुत फायदा हुआ कि हमें परेशानी नहीं होती है, सारंगपुर जाने आने में दिक्कत आती है। और इस बीच कानपुर से खबर आपको बताने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर से खबर है, यूपीसीए में कोरोना का साया, क्रिकेटर अल्माज हुए कोरोना पॉजिटिव, रिपोर्ट पॉजिटिव के बाद खिलाड़ियों में अफरा तफरी का माहौल। T20 में कमला क्लब में खेलने आए थे सैयद मुश्ताक। कानपुर से खबर, यूपीसीए में कोरोना का साया मंडराना, क्रिकेटर अल्माज कोरोना पॉजिटिव हुए, रिपोर्ट पॉजिटिव के बाद खिलाड़ियों में अफरा तफरी है। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कानपुर से, रिपोर्ट पॉजिटिव के बाद खिलाड़ियों में अफरा तफरी है। टीम 20 में कानपुर से खबर, यूपीसीए में कोरोना का साया, खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। खबर इस वक्त कानपुर से आपको बता रहे हैं। और हमारे खेल संवाददाता विशाल इस खबर पे अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। विशाल, क्या जानकारी है आपके पास? सबसे पहले आरिश आपको बता दूं, यूपीसीए ने अभी कोरोना काल के बाद अपने डोमेस्टिक सीजन की शुरुआत सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट से करने जा रहा था, और उसके यहाँ पर कैंप लगाया गया था कमला क्लब और ग्रीन पार्क में। कमला क्लब में बायो बबल के तहत सारे खिलाड़ी रखे गए थे। जब हम लोग के प्लेयर मिलने आए इंटेक्ट बायो बबल का दिलासा दिया जाता था कि सारे के बाद
जब कोविड 19 रिपोर्ट कराई गई है, कोविड जांच की कराई गई है, जो रिपोर्ट थी वो कराई थी, उसके बाद पूरी टीम की रिपोर्ट कराने के बाद जो आज रिपोर्ट आई उसमें शहर के क्रिकेटर कानपुर के आते हैं शौकत, अभी पिछले साल ही इन्होंने अपना डेब्यू किया था, इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव है, उसके बाद से ही यूपीसीए में अपना तफरी का माहौल बना हुआ है। लगातार यूपीसीए हमें नजर स्तर पर उसने कैंप लगाया था, जैसे उसने लोगों को बुलाया था वहां पे प्रशासन को भी उसने यही बताया था कि हम लोग सारे बायो बबल में हमारे प्लेयर रहेंगे, तो कहीं ना कहीं इनके बायो बबल की पूरी तरीके से पोल खुल चुकी है। और जहां पर ऐसे लंबे स्तर पर जो टूर्नामेंट होने वाले हैं, ये तारीख से शुरू होने वाली पहला मैच है हिमाचल के खिलाफ यूपीसीए, तो पहले अलमास सौगत का कोरोना पॉजिटिव हो जाना यूपीसीए के लिए और यूपी टीम के लिए बहुत बड़ी सरदर्दी होगी। तो बहुत बड़ी सरदर्दी होगी यूपी टीम के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल तमाम जानकारी के लिए। तो यूपीसीए में कोरोना का साया, क्रिकेटर अलमास कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। और सीधी जिला अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही के मामले थम नहीं रहे हैं। कल शाम को एक गर्भवती महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजनों ने आरोप लगाया कि डॉक्टर की लापरवाही की वजह से आधी रात को प्रसूता महिला और बच्चे की गर्भ में मौत हुई। वहीं गुस्साए परिजनों ने जिला अस्पताल में जमकर हंगामा किया। देखा था 4 महीना से यहाँ दवाई चलती रही, तो घर गए तो उल्टी हो गया, तो फिर पुल के दूसरे काल रात भर रही नहीं तो पुल लेके आन उनके लगे हाँ, तो कहा ना उसे दिखी हम कहा डॉक्टर साहब हुआ था मैंने 26 तारीख कमा के रही थे 40,000 रुपया, 40,000 रुपया दे तब हम एक हुआ कर। जो मृतिका है उनके परिजन के द्वारा एक आवेदन दिया गया है आरोप लगाते हुए कि डॉक्टर अमृता खरे जी के द्वारा पैसे की मार की गई, उनकी लापरवाही के चलते जो है अमृतिका की जान गई है। तो इस संबंध में उन्होंने एक थाना प्रभारी के नाम एक शिकायती पत्र दिया है और जिसमें विभागीय अधिकारी को भी उन्होंने प्रतिलिपि दी है, तो उस पर जांच की जाएगी और समुचित जांच के बाद यदि यह तथ्य सामने आता है कि वास्तव में ऐसी लापरवाही बरती गई है या ऐसी मांग पैसों की गई है जिसके कारण ये घटना घटित हुई है, तो उस पर प्रतिवेदन दिया जाएगा जिस पर वरिष्ठ अधिकारी द्वारा। और सीधी जिला अस्पताल में प्रसूता की मौत होगी, जिसके बाद अस्पताल में हंगामा हुआ। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया, पैसे मांगने के आरोप लगाए। गुस्साए परिजनों ने जिला अस्पताल में शव रख कर हंगामा किया। महिला डॉक्टर के खिलाफ थाने में शिकायत भी की गई है। और किसानों को उसकी उपज का सही दाम मिले, इसके लिए जरूरी है कि उपज को सीधे मंडी या फैक्ट्री तक पहुंचाया जाए। इससे बीज कड़ौतियों को मिल रहे कमीशन को बचाकर उसे किसानों को बांटा जाए। इसी कड़ी में अलीराजपुर जिले में उदयगढ़ विकासखंड के 13 ग्रामों में 13 आजीविका महिला उत्पादक समूह का गठन किया गया। इसमें 1996 सदस्य हैं। वहीं 3 समूहों को 1 साल की अवधि के लिए 6 लाख रुपये का लोन संकुल संगठन के माध्यम से उपलब्ध भी कराया गया है। 50 कंटूल गेहूँ खरीदे ना, 50 कंटूल कपास और एक सोयाबीन भी, सोयाबीन 1 कंटूल, मक्का 2 कंटूल, गेहूँ 50 कंटूल। जिला पंचायत सीओ संस्कृति जैन मैडम के निर्देशन में उदयगढ़ विकास खंड में 13 आजीविका उत्पादक समूह का गठन किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्राम स्तर पर खरीदी करना है, जिसमें गांव वालों को उनके उपज का सही मूल्य मिले, साथ में समय और श्रम की बचत हो। और मुरैना जिले में चिनौनी में पदस्थ प्रधान आरक्षक गजेंद्र सिंह का पेट्रोलिंग के दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली मजबूर से 200 रुपए वसूलने का वीडियो वायरल हुआ। मिली जानकारी के अनुसार चिनौनी थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक गजेंद्र सिंह वाहन चालक का रुपए लेने का वीडियो वायरल हुआ। इसमें हवलदार गजेंद्र सिंह ने चिनौनी थाने क्षेत्र में ईंटों का परिवहन कर रहे ट्रैक्टर ट्रॉली वाहन चालक को रोककर उसमें सवार लोगों की कार्रवाई की ओर धमकी देते हुए नजर आए। कार्रवाई के नाम पर डरे सहमे मजदूर ने 200 रुपए वाहन चालक ने दे दिए। वीडियो वायरल होने के बाद मुरैना पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया ने हवलदार के कृत्य को गंभीरता से लेते हुए सस्पेंड कर दिया है। रुकते हैं ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
खबरों का सारथी। मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है, बावर्ची की सोया बड़ी, बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, और टेस्ट में बड़े मस्त है। देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वन विभाग निकास निगम के अंतर्गत खैरी गांव के पास मवेशी चराने गए 10 वर्ष के बच्चे के ऊपर टाइगर ने हमला कर दिया और उसकी जान ले ली। टाइगर ने पहले बच्चे के एक पैर को अपना शिकार बनाया, फिर इसके बाद उसने बच्चे की गर्दन पर हमला कर दिया। वह घटना की जानकारी होते ही वन विकास निगम के अधिकारी घटनास्थल के लिए रवाना हो गए। और खबर सिंगरौली से, जहां जिले के बरगावा थाना अंतर्गत बड़ोखर गांव के पास पुलिस वाहन बाइक सवार को बचाने के चक्कर में हादसे का शिकार हो गई। इसमें करीब 6 पुलिसकर्मी घायल हुए, वहीं सभी घायल पुलिसकर्मियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां अब सभी पुलिसकर्मियों की हालत स्थिर है। और पढ़ाई लिखाई की उम्र में पहली और तीसरी कक्षा में पढ़ने वाले 2 मासूम से बच्ची मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर फुटपाथ पर गुटखा बेचते नजर आए। बता दें कि बच्चे की इस हालत को प्रशासन के अधिकारी हर रोज देखकर गुजरते हैं, लेकिन कुछ नहीं करते। मासूमों के हाथों में जहर की पुड़िया, पढ़ाई लिखाई की उम्र में बेच रहे गुटखा, पेट पालने के लिए फुटपाथ पर बैठे मासूम। ये हमारे वो के गए। पापा क्या करते हैं आपको? पापा काम करते हैं। मम्मी? मम्मी मम्मी नहीं है। पेट पालने के लिए लोग क्या क्या करते हैं, ऐसी ही कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। इन मासूमों की आंखों में झांक कर देखिए, ये मासूम सड़क पर बैठे फुटपाथ पर गुटखा बेच रहे हैं। इन पर किसी का ध्यान नहीं जाता, क्योंकि किसी के पास समय नहीं है इन्हें देखने का। आज हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं, जरा गौर से देखिएगा इस तस्वीर को। जिस उम्र में बच्चे पढ़ाई करते हैं, उस उम्र में ये मासूम हाथों में जहर की पुड़िया को बेच रहे हैं। ये तस्वीर है राजधानी भोपाल की, जहां पढ़ाई लिखाई की उम्र में पहली और तीसरी कक्षा में पढ़ने वाले 2 मासूम मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर फुटपाथ पर गुटखा बेचते नजर आए हैं। जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि बच्चों की मां नहीं है, पिता मजदूरी का कार्य करते हैं और मां का निधन हो गया है। मासूम से बच्चे नन्हे नन्हे हाथों से लोगों से उम्मीद की आस लगाए फुटपाथ पर ये कार्य कर रहे हैं। ये हमारे घर की थी ना, पापा क्या करते हैं आपको? पापा काम करते हैं। मम्मी? मम्मी नहीं है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? पढ़ाई करते हो आप लोग? कौन सी क्लास? तीसरी। आपका नाम क्या है बेटा? आपका नाम क्या है? अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? पहली में। कितने रुपए का बेच रही है वो? 10। हजारों लाखों की तादाद में रोड से लोग निकल रहे हैं, शासन प्रशासन पक्ष विपक्ष सभी लोगों का इस पर ध्यान जा रहा है, मगर इनकी समस्या का समाधान नजर नहीं आ रहा। क्या ये सही है, या 2 मासूम सी बच्चियां जिनकी पढ़ने लिखने की उम्र है, मगर बदकिस्मती से इन मासूमों को
फुटपाथ पर अपना पेट पालने के लिए जहर बेचना पड़ रहा है। देश प्रदेश में लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मगर असली सच्चाई तो ये है जो नजर आ रही है। ये तस्वीर अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। भोपाल ब्यूरो की रिपोर्ट। और आगे बढ़ते हैं खबर मध्य प्रदेश के शहडोल से, जहां बिलासपुर से इलाहाबाद जा रही कृष्ण बस सर्विस के पलट जाने से दो लोगों की मौके पर मौत हो गई। हादसा ग्राम टेटका के पास का है, जहां पर बस पलट जाने से दो लोगों की मौत हो गई और छह लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिनका अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। अभी लोग थोड़ा सिर्फ पिया पाया था। कौन पिया रहा? ड्राइवर। अच्छा। हवा में। हाँ। वहीं से गाड़ी की ना आए बाएं भागा। हाँ। मैं सामने में था। हाँ। कभी ऐसा लहरा रहा, कभी ऐसे, तो थोड़ा सा ज्यादा लहरा गया ना तो सीधा पलटी खाया। तो किसी टकराया नहीं? नहीं टकराया, उसके भगाने से ना झूल कर ऐसे डायरेक्ट थपलाया। और दमोह जिले के पटेरा फतेहपुर में एक ट्रक और एक बाइक की टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। इसे उपचार के लिए आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर ट्रक ड्राइवर और हेल्पर दोनों ट्रक छोड़कर भाग गए, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। और पुलिस अधीक्षक जबलपुर सिद्धार्थ बहुगुणा रेत के अवैध उत्खनन को रोकने के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उत्खनन का काम नहीं रुक रहा है। हाल ही में सभी राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों को अवैध उत्खनन और परिवहन के कारोबार में लिप्त लोगों को चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। नहीं देखिए, वो तो नरसिंहपुर जिला है, नरसिंहपुर का ठेका किसके पास वो जानकारी अपने पास उपलब्ध नहीं है जी। बट हमारे यहाँ का जो ठेकेदार है, हमारे ज़िले की जिन खदानों में उसकी ईसी कंप्लीट है, और ईसी वगैरह जब सारे एनओसी उसके पास होती है तभी ईटीपी चालू होती है, और ईटीपी यहाँ पर ज़िले में चालू है, और जो भी अगर बगैर ईटीपी के अगर कोई प्रकरण आता है उस पर जुर्माना 1-1 लाख से ज़्यादा जुर्माना अभी माननीय कलेक्टर न्यायालय ने किया है, और कलेक्टर साहब ने दल भी बनाए हुए हैं जांच के लिए। तो यहाँ खनिज राजस्व पुलिस तीनों विभाग समय समय पर कार्रवाई कर रहे हैं। छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा पुलिस ने आदि हत्याकांड का पर्दाफाश करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया। बता दें कि अमरवाड़ा के अमर आम टोला जुंगावाड़ा में सुरेश कहार नामक ग्रामीण तालाब समीपरत अवस्था में मिला, जिस पर पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद आरोपियों तक पहुंचाने में कामयाब हो पाई। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि मृतक सुरेश कहार ने धनी राम और उसकी पत्नी को कई बार प्रेम प्रसंग के चलते आपत्तिजनक स्थिति में देखा था, जिसके चलते उसने कदम उठाया। सुरेश कहार नामक एक व्यक्ति है, तो वो मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। पुलिस द्वारा जब वहाँ पर गई पुलिस, तो उसको काफ़ी चोटें थी सिर वगैरह में, उसका PM कराया गया, जिसमें उसके विभिन्न अंगों में फैक्ट। खबर अशोकनगर से, प्रशासन की सद्बुद्धि के लिए पुजारी ने तहसील के सामने किया नाम राम जाप अनुष्ठान, और पंडित हरिओम शर्मा ने बताया कि स्थानीय तहसील प्रशासन अपर कलेक्टर के आदेश को मानने को तैयार नहीं है। अपर कलेक्टर द्वारा 13 फरवरी 2018 को पूर्व पुजारी की अपील निरस्त करते हुए निर्णय कर आदेश दिया गया, और अनियमितताओं के कारण पूर्व पुजारी को पद से हटाकर मंदिर श्री धनुषधारी राम जानकी मंदिर की आरती पूजा व्यवस्था हेतु नवीन पुजारी की नियुक्ति की जाए। अपर कलेक्टर महोदय ने आदेश दिया था आज से 1.5-2 वर्ष पूर्व, लम्बादार मोहल्ला में धनुधारी मंदिर है, जिसके प्रबंधक माननीय कलेक्टर महोदय हैं, उसमें उन्हें निर्णय दिया था कि अनियमितताओं के कारण पूर्व पुजारी को हटा दिया और नया पुजारी नियुक्त करो और इसकी व्यवस्था करो, ये आदेश SDO महोदय दिया था। खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।